हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। तो 15,000 के अंदर ही अंदर आप लोगों को एक बेस्ट स्मार्टफोन मिल सकता है। हाँ, मिल सकता है, जिसमें आपको सब कुछ फीचर्स मिलेंगे, जिसमें आपको अच्छा खासा प्रोसेसर मिलेगा। जैसे कि 720 का आपको प्रोसेसर होना ही चाहिए, आपको बिग डिस्प्ले तो होना ही चाहिए। किसी में एमुलेट मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊँगा, जिसमें 15,000 के अंदर ही अंदर आपको एमुलेट मिलेगा। और 64 मेगापिक्सल तो कैमरा होना ही चाहिए, और 5000 मिली एम्पियर की बैटरी होना चाहिए, और एक फास्ट चार्जर होना ही चाहिए। तो ऐसे ही कुछ फ़ोन के लिस्ट लेकर आए, और टॉप 3 बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 15,000 के अंदर अंदर। तो चलो कौन कौन से फ़ोन है जान लेते हैं। उससे पहले मैं हूँ सुबह, आप लोग देख रहे साइटेक एक्सपर्ट। मेरे चैनल पर नए हो तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबा के बेल का आइकन ऑल पर सिलेक्ट कर दिए, ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। तो आज हम टॉप 3 से शुरू करेंगे। इधर है रेडमी नोट 10 हमारे टॉप 3 में, उस जिसमें यूज़ किया गया है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 678 का लेटेस्ट हैवी पावरफुल चिपसेट, जिसमें यूज़ किया गया है 643 इंची FHD प्लस एमुलेट डिस्प्ले तो नहीं यूज़ किया है, परंतु FHD यूज़ किया गया है, जिसमें यूज़ किया गया कैमरा 48+8+2+2 का आपको रियल कैमरा देखने के लिए मिल जाती है, सेल्फी आपको देखने के लिए मिल जाती है 13 MP की, 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है, सबसे बड़ी बात है 33 वाट के फास्ट चार्जर। और रैम और स्टोरेज वेरिएंट की बात की जाए तो 4GB और 64GB का आपको रैम वेरिएंट मिल जाती है, आप तो आप लोग कर सकते हैं 512GB तक। तो आप लोगों को ये फ़ोन कैसा लगा आप लोग ऑब्वियसली कमेंट करके बता सकते हैं। और 15,000 के अंदर अंदर ये फ़ोन एक बेस्ट चॉइस है, परंतु ये हमारे लिस्ट में टॉप 3 में है, ये भी आपको समझना पड़ेगा। तो चलो हमारे टॉप 2 और टॉप 1 भी देख लेते हैं। तो कौन कौन से फ़ोन है हमारे टॉप, तो हमारे लिस्ट में टॉप 2 में है रेडमी नोट 10S, जिसमें यूज़ किया गया है मीडियाटेक का हीलियो G95 प्रोसेसर, जो लेटेस्ट एंड हैवी पावरफुल है। हाँ, मीडियाटेक का प्रोसेसर है, हाँ 8 नैनोमीटर पे पेस है, ऑक्टाकोर प्रोसेसर है, 6.43 इंची एमुलेट डिस्प्ले आपको मिल रही है। ये आपको देखना पड़ेगा कि एमुलेट मिल रही है। 64+8+2 MP का आपको रियल कैमरा, 13 MP का आपको सेल्फी कैमरा देखने के लिए मिल जाती है, 5000 mAh के आपको बैटरी देखने के लिए मिल जाती है, 33 वाट के फास्ट चार्जर, 6GB रैम, 128GB के स्टोरेज के साथ आपको ये फ़ोन देखने के लिए मिल जाती है, MIUI 12.5 एंड्रॉयड 11 के साथ, जो एक बहुत ही बढ़िया एंड ख़ास बात है। ये फ़ोन अच्छा लगा हो तो आप लोग ऑब्वियसली लाइक कर सकते हैं और कमेंट करके हम लोगों को बता सकते हैं। तो चलो हमारे लिस्ट में टॉप 1 पे है कौन सा फ़ोन आपको ज़्यादा देते हैं। तो हमारे लिस्ट में टॉप 1 पे है रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स। ये थोड़ा ओल्ड हो गया, परंतु फ़ोन बहुत ही अच्छा है, जिसमें यूज़ किया गया क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 720G गेमिंग प्रोसेसर, जिसमें आप हार्डली गेमिंग कर सकते हैं। आपको डिस्प्ले मिल जाती है 6.67 इंची की FHD प्लस IPS LCD पैनल वाला डिस्प्ले, आपको एमुलेट नहीं मिलता। 64+8+5+2 MP का आपको रियल कैमरा देखने के लिए मिल जाती है, फ्रंट में बहुत ही अच्छा आपको सेल्फी कैमरा देखने के लिए मिल जाती है 32 MP का, 5000 mAh का आपको बैटरी देखने के लिए मिल जाती है 30 वाट का चार्जर के साथ, और 6GB रैम, 64GB स्टोरेज के साथ 512GB तक आप लोग अप टू कर सकते हैं। ये फ़ोन बहुत ही ज़्यादा खास है। हाँ, थोड़ा सा ओल्ड फ़ोन आप खरीदने की सोच रहे हैं, परंतु अच्छा खासा स्पेसिफिकेशन हो तो आप लोगों के लिए ये फ़ोन बेस्ट है। हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो और हमारा वॉइस आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोग ऑब्वियसली लाइक कर सकते हैं, लाइक करना मस्ट है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और दोस्तों का शेयर भी कर सकते हैं। और खबरें पे हम लोग हैं तो खबरें पे जाके हमें सुन सकते हैं, और आप लोग फेसबुक के देख रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे आके सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो स्टे सेफ, स्टे होम, टाटा बाय बाय। अगले वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम।